लोगों की शॉपिंग करा के रेवेन्यू कमाने का जो सबसे बड़ा हथियार है एयरपोर्ट के पास, उसका नाम है ड्यूटी फ्री शॉप्स। ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती हैं, वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते टाइम नहीं होती हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होती हैं। ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, इन पे कोई भी लोकल और नेशनल टैक्स नहीं लगता है जैसे देश के बाकी दुकानों पे लगता है। और ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, ज्यादातर आपको एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर एरिया में दिखती हैं। सबसे पहले 1947 में आयरलैंड के शनॉन एयरपोर्ट ने ये चीज की थी। एयरपोर्ट इस पर्टिकुलर जोन से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अगर ज्यादातर इंडियन एयरपोर्ट्स की बात करें तो ड्यूटी फ्री सेल से जो होने वाला रेवेन्यू होता है, वो टोटल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का 15-20% का हिस्सा होता है। और इसके अंदर भी 75-80% ड्यूटी फ्री सेल जो होती है वो अल्कोहल और सिगरेट की होती है। अब ऐसा नहीं है कि ड्यूटी फ्री है तो आप कितना भी खरीद सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC की लिमिट के हिसाब से एक पैसेंजर ड्यूटी फ्री शॉप से 25,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकता है। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 2 लीटर तक पर इंटरनेशनल पासपोर्ट की लिमिट।